बहुत गंदी तरीके से हराया था अगर आपको याद होगा तो। यार उस वीडियो के बाद दरअसल यार कृष्णा हमसे लेना चाहता था बदला। सो गाइस उसने हमें चैलेंज किया और गाइस हमने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सो गाइस आज कृष्णा खेलने वाला है सबने एक इरादे से और वो इरादा गाइस हमें हराना। सो गाइस ये वीडियो बहुत ओपी होने वाली है तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं यार अपने कस्टम के मैच में। गाइस आज हमारा अपोनेंट है मिस्टर राजपूत और कृष्णा। ठीक है गाइस यार आज ये बंदा रिवेंज लेने की मूड से आया है। सो गाइस यार मेरा तो पूरा का पूरा मतलब मकसद यही है कि यार मैं इसके रिवेंज को सपना ही रहने दूँ और इसके यार रिवेंज को मतलब पूरा होने ही ना दूँ, इसे यार 7-0 से हराऊँ। ठीक है सर, यहाँ पे तो हमारा पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है। यार पे मैंने डेजर्ट ईगल और एक क्रूअल उठा लिया। ठीक है सर, आई थिंक यार ये बंदा इसी साइड से आएगा जैसे कि यार पिछले वाले कस्टम के मैच में हुआ था फर्स्ट राउंड में, यहाँ पे इसी साइड से आया था। लेकिन यार इस बार इस साइड से नहीं आया तो हो सकता है किसी और साइड से हो। तो चलो यार अभी इस बंदे को हम बहुत गंदी तरीके से फोड़ूंगा गाइस। देखना यार यहाँ पे देखो इस बंदे ने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के रख रखा है, आई थिंक भटकाने के लिए या फिर ऐसे मजे के लिए लगा रखा होगा, मुझे नहीं पता यार क्यों लगा रखा है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा पीछे से घूम कर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदा दिख गया। यार यहाँ पे मैं बोल रहा था मेरे को नहीं दिखा और यहाँ पे मेरे को दिख चुका है। तो यहाँ पे भाई 0% डैमेज पड़ा है, मैं वो ग्लू वॉल से कवर कर लिया। तो चलो यार अभी मैं इसे खत्म कर देता हूँ। आई थिंक इसके पास डेजर्ट ईगल नहीं, इसका कोई मस्ती गन है। सो आई थिंक आप इसके पास M4A1 है तो यार इसी मुझे शॉर्ट डैमेज दे सकते। तो यहाँ पे नंबे का डैमेज, नंबे का और एक और बस गाइस एक और डैमेज चाहिए और ये बंदा खत्म हो जाएगा। बस एक डैमेज और चाहिए गाइस, मरता मर गया। ओ भाई यार यहाँ पे देखो मेरी सिर्फ और सिर्फ यार यहाँ पे 30% HP थी और मैंने इसे डेजर्ट ईगल से यार खत्म कर दिया। भाई साहब यार कितनी कम HP बची थी यार मेरे पास, आखिरकार गाइस मैंने इसे बंदे को खत्म कर ही दिया। यार भाई भाई बहुत गंदी मतलब बहुत गंदा डैमेज दे दिया था यार इस बंदे ने। सो यार यहाँ पे देखो मुझे तो यार पहले राउंड में उसके लूट बॉक्स M4A1 मिल गया था, लेकिन यार यहाँ पे मैंने सेकंड राउंड में यहाँ पे M1A7 भी उठा लिया। सो गाइस यार जैसे कि अपन लोगों ने पहला राउंड जीता है गाइस, वैसे ही अभी बाकी 6 के 6 राउंड भी जीतेगा और गाइस इसका रिवेंज को गाइस रिवेंज ही रहने थे गाइस, बहुत गंदे रहेंगे ऐसे, बहुत गंदे तरह हराएंगे गाइस। आप बस देखते जाओ। सो यार यहां पे देखो मैं सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, बंदा देखो सामने से आ रहा है। ठीक है सो यार चलो देखना इस वाले राउंड में ना मैं इसे पक्का का हेड मारूंगा। ठीक है आप बस देखते जाओ। यहाँ पे देखो यार मैंने इसे ढूंढ लिया था गाइस, आई थिंक ये बंदा इस साइड से आएगा। तो चलो यार इसे M1A7 से हेड मार के नॉक कर रहा है। ठीक है सो यहाँ पे तो आया नहीं बंदा, कहाँ चला गया यार, मेरे को तो लगा था यार यहाँ पे आएगा लेकिन ऐसा तो है नहीं यार। अच्छा गाइस आप देखो, सो गाइस यार यहाँ पे भी देखो मेरे को लगा कि ये वहाँ से आएगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो यहीं से आ गया। सो यार यहाँ पे देखो इसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे चुका है गाइस, 50 का डैमेज मुझे लग चुका है। यहाँ पे मैं अपने हेल्थ लगा रहा हूँ गाइस, आते मैं हेल्थ लग गई। सो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे इसने मेरे को फिर से यार बहुत गंदा डैमेज दिया था, पता नहीं यार कौन सी गन चला रहे हैं मेरे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन यार मुझे देखो उतना डैमेज नहीं पड़ा। यहाँ पे यार मैंने अपनी दोनों की दोनों हेल्थ गाइस लगा दी। ठीक है तो यार अभी मेरे को यार अगर डैमेज पड़ेगा तो यार मेरे पास हेल्थ मेडिकेट नहीं होगी यूज़ करने के लिए। ठीक है सो यार अभी मेरे को इसको बस खत्म ही करना पड़ेगा तभी यार मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है तो चलो यार यहाँ पे मैंने ग्लूवॉल से कवर किया, तो चलो इसे मारते हैं, अब खत्म करते हैं। और ये कहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकलेगा। सो गाइस चलो अभी इसे मैं M4A1 से हेडशॉट मारता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे लग जाए हेड, एक हेड लग जाए नहीं लगा कोई बात नहीं, यहाँ पे लग जाए एक हेड लग जाए मजा भैया। और यार यहाँ पे बहुत ओपी था यार, 159 का 2 हेड के साथ ही बंदा हो चुका है नॉक। यार देखा बहुत ओपी तरीके से हम लगातार गाइस 2 बार जीत चुके गाइस, बहुत ओपी। सो यार यहाँ पे हम लगातार यार 2 बार जीत चुके गाइस ऐसे ही कर यार मेरे को यार सिर्फ और सिर्फ 5 बार और जीतना है यार, उसके बाद इसका रिवेंज का सपना ही रह जाएगा। बेचारा यार बहुत दुखी होगा जब मैं 7-0 से हराऊंगा, आप बस देखते जाओ यार। और गाइस यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर सिलेक्ट कर लेना। और गाइस एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो गाइस यहां पे देखो मैं कस्टम का हमारा 3rd राउंड स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यहां पे देखो मैंने M4A1 की जगह वुडपेकर उठा लिया यार, अपनी फेवरेट स्नाइपर गन। और यहां पे देखो मैं थोड़ा ऊपर के साइड चला जाता हूं गाइस स्नाइपिंग करने। और यहां पे देखो मैं छत पे आ चुका हूं गाइस, यहां पे देखो मेरे को पता चल चुका है कि ये कहां है। तो चलो यार अभी इसे खत्म कर देता है। ठीक है सो यार बस थोड़ा सा रुकना है कि कभी मिले। सो यहां पे लग जाए एक डैमेज नहीं लगा। अबे यार शिट यार मैं तो इंतजार करता रहेगा और ये बंदा तो भाग के निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं हम इधर से मारेंगे बस।
एक बार आ जाएगा गाइस, बस एक बार गाइस इसे मैं हेडशॉट देके मारूंगा, बस एक बार ही आ जाए। सो यार यहां पे तो कोई घर के अंदर चला गया, नहीं नहीं घर के अंदर नहीं है, मेरे को लगा घर के अंदर। तो गाइस चलो अभी इसे पीछे से धप्पा करते हैं गाइस, ठीक है। बस थोड़ा सा एक टाइम चाहिए, बस हम लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा गया। सर अभी 54 का डैमेज पड़ चुका है गाइस यहां पे इसको, 50 का डैमेज पड़ चुका, तो गाइस थोड़ा सा डैमेज और चाहिए इसको, खत्म कर दूंगा। और यहां पे लग जा लग जा गया। और भाई यार यहाँ पे मैं थर्ड राउंड भी यार बहुत ओपी तरीके से जीत गई है, पता शायद आई थिंक यार इस बंदे का गलती से यार क्या कहते हैं मुक्का निकल गया। ये बंदा क्या कहते हैं गन लेना चाह रहा था, लेकिन यार गलती से जो है इसका गलती से मुक्का रह गया, और गाइस इसी वजह से ये बंदा मर चुका है। लेकिन यार जो भी हुआ बहुत ओपी हुआ, यहाँ पे हम 3 बार लगातार जीत चुके हैं, अभी मेरे को 4 बार और जीतना है, सिर्फ और सिर्फ अगर 4 बार और जीतना है उसके बाद यार ये वाला मैच भी हो जाएगा खत्म, इसका रिवेंज रिवेंज ही रह जाएगा। बट बहुत गंदर आ रहा हूँ बहुत चढ़ जा। एक बार चढ़ा हो गया, और गाइस आखिरकार यार इतने दिनों बाद यार आखिरकार यार हम पहुंच गया। सो गाइस आखिरकार इतने दिनों बाद मैंने अपनी ट्रिक आजमा ही ली यार, बहुत ओपी से ली यार। यहां पे देखो मैंने अपनी ट्रिक तो आजमा ली, लेकिन यार मेरे को नहीं पता यार वो बंदा आखिरकार है तो है कहां यार, मेरे को नहीं पता यार वो नीचे की साइड है आगे की साइड है पीछे की साइड है, मुझे नहीं पता यार कहां है वो बंदा यार। गाइस यार ये है तो है कहां यार, यहां पे तो यार कहीं पे दिख ही नहीं रहा है मेरे को, मतलब इतनी देर से मैं यहां पे हूं। यहां पे अबे आ गया। ओ शिट शिट यार इसने मेरे को पीछे से मार दिया, शिट यार मैंने मतलब जैसे ही देखा वैसे ही मैं मतलब यार शिट यार। सो गाइस यहां पे देखो हमारा 8वां राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, इस बंदे ने यार मेरे को लगातार 3 बार हरा दिया है, मतलब एक बार इसने मेरे को पीछे से मारा, उसके बाद यार इसकी जो मतलब लॉटरी लगी यार, मतलब इसकी जो किस्मत खुली यार, शिट गाइस यार शिट ने मेरा पूरा का पूरा जो मतलब गाइस मतलब जो मेरा इरादा था कि मैं इसे 7-0 से हराऊं यार, इसने एक बार पीछे से मार कर मेरा पूरा का पूरा वो प्लान बिगाड़ दिया यार, इतना गंदा बचा यार मैंने जीवन में नहीं देखा कभी भी। तो यार यहाँ पे देखो हमारा क्या कहते हैं 8वां राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, यहाँ पे देखो मैंने एक MP5 उठा लिया है, और गाइस एक ग्लू बॉल एक वेस्ट बस यही सब चीजें उठाई है। तो यहाँ पे देखो मैं सामने सामने से यार यहाँ पे देखो रश करने जा रहा था, यहाँ पे तो मेरे को नहीं लग रहा कि बंदा होगा, सो आई थिंक पीछे की साइड होगा नहीं होगा, सो यार मेरे को लगा कि पीछे की साइड होगा, लेकिन यार पीछे की साइड भी ये नहीं है, तो आखिरकार है तो है कहां साइड उस साइड। सो यहाँ पे देखो पीछे की साइड तो मैं जा रहा हूँ गाइस ऊपर की साइड से मारने के लिए, मेरे को पता चल चुका है यार यहाँ पे देखो उसने ग्लू वॉल लगा रखा था उस साइड में, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं ऊपर की साइड एकदम चला जाता हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे देखो उसने ग्लू वॉल से अपने आप को कवर कर रखा, तो आई थिंक ये बंदा वहीं पे होगा या फिर कहीं और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि यार ये बंदा वहीं पर ही हो, लेकिन यार वहाँ पे देखो ग्लू वॉल तो लगा है और यहाँ बंदा भी है, यहाँ पे बंदा तो जैसे हेडशॉट मारते हो और भाई एक हेडशॉट लग जा नहीं लगा यार पीछे रुक गया। ओ शिट यार जैसे मेरा मतलब निशाना लगा इसके हेड पर वैसे ही बंदा छुप गया यार, शिट यार कितनी गलत बात होगी। सर यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इसका मतलब क्या कहते हैं छाती वाती तो दिख रहा है, बस निकलने के देर यहाँ पे निकला मार मार गया। और भाई यार यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 12% एचपी बची, सिर्फ और सिर्फ 12% एचपी, लेकिन यार इसको भी बहुत गंदा डैमेज पड़ा है गाइस, तो कहते हैं इसको भी यार बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा है। अभी देखो इसका मेरे को अभी भी शरीर दिख रहा, तो यार यहाँ पे देखो बहुत गंदा डैमेज पड़ा है यार इसको, थोड़ा सा ही मतलब बचा होगा यार इसकी पे थोड़ी सी बची होगी, तो यार सबसे पहले यार इसको मारने से पहले यार मैं सबसे पहले यार यहाँ पे हेल्थ लगा लेता, क्योंकि यार हेल्थ लगाना बहुत जरूरी है, अगर इसने मेरे को थोड़ा सा भी और डैमेज दे दिया तो यार ये मेरे को खत्म मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा, ठीक है। सर यहाँ पे देखो ये बंदा इस ग्लू वॉल के साइड से हट चुका है, तो यहाँ पे मैं एक और पहले हेल्थ लगा लेते हैं और उसके बाद ही नीचे जाकर रश करेंगे। सो गाइस आई थिंक ये बंदा यार इस घर में घुस गया होगा और ऊपर की साइड आने लग गया होगा मेरे को मतलब पीछे से मारने के लिए, मैं इसका यार प्लान तो सफल होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे देखो यार जोन जो है वो भी बहुत करीब आ चुका है, यहाँ पे मैंने इस बंदे को पकड़ लिया कि आखिरकार ये है तो है का, चल बस थोड़ा सा मतलब अंदर गया। सो गाइस यहाँ पे अंदर आ गया, इसको हेड देना पड़ेगा, मैंने मार देगा क्या। और यहाँ पे भाई बहुत ओपी था यार, 32 का 2 हेड के साथ ये बंदा हो चुका है खत्म, और गाइस यार हम 5 बार जीत चुके हैं। सो गाइस अब मेरे को बस 2 बार और जीतना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ गाइस बस 2 बार और यार उसके बाद यार मैं इसका मतलब रिवेंज सपना ही रहने दूंगा, मतलब मेरा टारगेट था 7-0 का, लेकिन यार 7-0 कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं यार, लेकिन तब यार मैं इसे हरा कर ही रहूंगा यार, इसका जो रिवेंज है यार मैं इसे सपना ही रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए यार मैं इसे जीतने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए अगर यार इस वाले मैच में जीत गया तो आप मेरा यार नाम
बदल के रख दिया है, कसम से कह रहा हूँ यार, अगर इस बार ये जीत गया तो यार मतलब इस वाले कस्टम में तो मैं, आप मेरा नाम बदल देना, आपको जो मर्जी होगी वो मैं दे देना कमेंट में, मैं वो नाम अगली बार से अपने आप को क्या कहते हैं कहूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो मैं, हमारा क्या कहते हैं नौवा राउंड स्टार्ट हो चुका है, 5, 6, 7, 8, 9 राउंड स्टार्ट हो चुका है। और यार यहाँ पे मैंने मतलब M187 वही सारी गन है जो यार पिछले वाले मैच में मेरे को मिली थी, और यहाँ पे देखो ये बंदे ने अपना को ग्लोबल से कवर किया है, तो यार यहाँ पे मैं से फोड़ता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो यार यहाँ पे मेरे को लगा इसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे, लेकिन ये बंदे तो यहीं पे था, यहाँ पे आया ग्लोबल से कवर किया। तो यार सबसे पहले जैसे जल्द अपने आपको यार मैं ग्लोबल से कवर कर लेता हूँ, यार यहाँ पे सबसे पहले अंदर जाना पड़ेगा गाइस हमें। और यहाँ पे अबे यार यार मैं तो ग्लू होल अपने को कवर कर रहा था, शिट यार, शिट गाइस बहुत गलत बात होगी यार, शिट यार, मैं अपने को ग्लू होल से कवर कर रहा था, इस बंदे ने मेरे को मतलब पीछे से मार दिया, फिर से पीछे से मारा, इसमें दम नहीं आया गाइस, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं, आगे से मारने की, इसने मेरे को फिर से पीछे से मारा यार, फिर से शिट यार, यार बहुत गलत बात हो रही है यहाँ पे। देखो यार बहुत मतलब इतनी गलत बात मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी थी। और यहाँ पे देखो यार मैंने MP5 ले लिया है, M107 ले लिया है, एक वेस्ट, एक हेलमेट, और गाइस यहाँ पे हमारा 10वां राउंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यार इस वाले राउंड में देखो मैं सीधा रश करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को मिल चुका है यार कृष्णा। तो गाइस यार यहाँ पे देखो मैंने कृष्णा को पकड़ लिया कि वो यहीं पे ही है, तो यार मैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें कि कब वो बाहर निकले और अपन उसको धप्पा कर दे। भाई बहुत देर इंतजार कर रहा है यार, आखिरकार ये बंदा गया तो गया कहाँ पे यार, यहाँ पे आ गया। तो यार पता नहीं ये बंदा यहाँ पे कैसे आया यार, यहाँ पे मैंने इसे पूरी नजर रख रखी है यार, इतने देर से मैंने इसे पूरी नजर रख रखी थी, पता नहीं कहाँ से आया। यहाँ पे देखो इसका 47 का एक हेड लग गया है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डैमेज और लगाया यार, यहाँ पे मतलब आई थिंक 50% HP तो पक्का गई होगी। यहाँ पे देखो मैंने और मतलब डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बंदा कब बाहर निकला और मैं इसको खत्म कर दिया, यहाँ पे डैमेज पड़ गया। तो यार यहाँ पे इसको डैमेज तो पड़ा है, अबे गाइस अरे मरा क्यों नहीं यार, मैंने से इतना गंदा डैमेज, अब 100 का डैमेज थोड़ा ना दिया था यार, शिट यार यार मतलब क्या हो रहा है गाइस, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा गाइस, मतलब यार मैंने से इतना डैमेज दिया तब भी तक 100 का डैमेज लगा, मतलब 6 यार 6 जो यहां पे देखो हमारा क्या कहते हैं 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, हम 5-5 बार जीत चुके हैं, मतलब दोनों बराबरी पर अभी चल रहे हैं, अभी देखना है 16वें राउंड में कौन जीतता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा 11वां राउंड में हम आ चुके हैं, और गाइस यार देखो वो बंदा यार फिर से जीत गया, मतलब शिट यार, मतलब ये बंदा यार लगातार 5 बार जीता है गाइस यार, लगातार ये बंदा 5 बार जीता है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा गाइस, बस यार अगर ये बंदा एक और बार जीत गया तो यार समझो हमारा ये मैच खराब हो गया यार, मेरे को बहुत डर लग रहा, पता नहीं आप कैसे कैसे नाम भेजने वाले हो, क्योंकि यार अगर मैं ये वाला राउंड हार गया तो मेरे को पता नहीं कौन सा नाम रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। सर यहाँ पे देखो हमारा क्या 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका है, बंदा 6 बार जीत चुका है, मेरे को कुछ भी करके ये वाला राउंड कैसे भी करके यार मुझे ये वाला राउंड जीतना ही पड़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पे देखो मैं वापस से आ चुका हूँ उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे देखो छत पे आ चुका हूँ, और पता नहीं मेरे को पता नहीं ये बंदा आखिरकार होगा तो होगा कौन सा, सबसे पहले मैं यहाँ पे छत पे चला जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पहले घूमते हैं कि आखिरकार ये बंदा होगा तो होगा कहाँ, किधर है यार, शेट यार ये बंदा फिर से खो गया यार, फिर से खो गया यार ये बंदा, तो कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, मिलो मिलो जल्दी 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 जल्दी, बस एक बार दिख जाएगा जी बंदा कहाँ है, उसके बाद मैं इसको मतलब ऐसा गंदा वाला मारूंगा ना, बस एक बार ये बंदा छुप जाता है, इससे ही तो बात गलत लगती है यार, मैं बार बार हर एक राउंड में मैंने रश किया और ये बंदा तब से कैंपिंग कर रहा है, मतलब तब से कैंपिंग करे जा रहा है, ऐसी बात थोड़ी ना होती यार, मतलब इतना कैंपिंग कौन करता है, इतनी कैंपिंग तो मैं अपने किसी कस्टम में भी नहीं की यार, इतनी कैंपिंग मतलब हर एक बंदे इस राउंड में कैंपिंग कर, यहाँ पे देखो कैंपिंग करके फिर से बंदे ने मेरे को मतलब मार दिया, मेरे को पता नहीं कहाँ से मारा, आई थिंक उस साइड से ही मारा, ठीक है। फिर पहले तो हाथ में ग्लोबल लगता हूँ गया, सो गाइस यहाँ पे देखो मैंने ये बंदा मेरे को मिल चुका था, अभी यहाँ मैं पीछे से जा रहा हूँ रश करने M1014 से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ पीछे की साइड, और ये बंदा मेरे को बस एक बार मिल जाएगा, किसी भी मैं इतना गंदा वाला मारूंगा नहीं, बंदा इतनी कैंपिंग करता है, ये कैंपिंग कर करके ही 6 बार जीता है, ठीक है, कैंपिंग कर कर ये 6 बार जीता, वरना इसकी दम नहीं था, इसके दम नहीं था ये 6 बार जीत जाए। सर यहाँ पे देखो मैं आ यहाँ पे, लेकिन मेरे को यार मिल नहीं रहा ये बंदा, आखिरकार है तो है किधर किधर, अवे शेड यार ये है कहाँ यार, गाइस यार ये तो मेरे को पता नहीं मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया इतने छोटा सा जोन में आ गया। चलो यार यहाँ पे देखो ये बंदा आ चुका है, सो मेरे को लग रहा था कहाँ गया आखिरकार ये बंदा यहीं पे, चलो इसे खत्म करता है, मर जा। ओ शिट 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 यार, मेरे से इतना गंदा वाला डैमेज दिया, नहीं ये क्या हो गया। सो गाइस यार बहुत शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यार इसी के साथ हमारा कस्टम रिवेंज गेम प्ले मैच हो गया पूरा, और गाइस जैसा कि उस बंदे ने कहा कि उसका रिवेंज की वीडियो है वो रिवेंज लेगा, वैसा ही गाइस उसने करके दिखाया और आखिरकार इसने रिवेंज ले ही लिया। सो गाइस यार वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम मिलेंगे आपको ऐसी चमकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत दुखद बात थी गाइस, बहुत दुखद बात।